दिल्ली दे जंतर मंतर ते पलवाना दे धरने नूं शुरू होए अज पूरे दो हफ्ते हो गए ने। ते अज पलवाना दे हक विच इत्थे खाप महापंचायत होवेगी। कुश्ती फैडरेशन दे मुखी ब्रिजभूषण शरण सिंह नूं गिरफ्तार करन दी मंग लगातार पलवान कर रहे ने, हालांकि उस दे खिलाफ दो परचे दर्ज हो चुके ने। कल पलवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समर्थकों नूं शांति कायम रखण दी अपील कीती अते पुलिस तों सहयोग भी मंगिया। पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं एशियाई चैंपियन फोगाट ने कहा कि अज वाली जिहड़ी महापंचायत है एतवार नूं होणी है, उहदे विच पिंडां तों खाप पंचायतां किसान ते मजदूर जथेबंदियां विद्यार्थी जथेबंदियां दे वड्डी गिणती विच पहुंचण दी संभावना है। इस करके सारिआं नूं उन्होंने शांति बना के रखण दी अपील कीती है ताकि इन्ने वड्डे इकट्ठ दे विच कोई भी गड़बड़ ना करे। शरारती अंसर ते जिहड़ा इह पलवाना दे धरने दे उत्ते उल्टा ना पै जावे, पुलिस जां फिर सरकार कोई इल्जाम ना लगा सके। इस तरीके दे नाल शांति पूर्वक महापंचायत करनी है। पलवान बजरंग पूनिया ने देश वासियों नूं अपील की है कि वह साडे समर्थन दे विच शाम नूं 7 बजे मोमबत्ती मार्च जरूर कढ़न। इस महापंचायत दे विच हरियाणा दीआं सारीआं खाप पंचायतां ने दिल्ली पहुंचण दा ऐलान किया है। इस दे नाल ही संयुक्त किसान मोर्चे दे कारकुन भी अज धरने वाली थां ते पहुंचणगे। अते पंजाब हरियाणा यूपी ते दिल्ली दे संयुक्त किसान मोर्चे दे कई सीनियर लीडर सैकड़े किसानां दे नाल इक वारी फिर पलवाना दे नाल धरने दे उत्ते बैठ जाणगे। संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी दे लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी पलवाना दे धरने दा समर्थन तां कई दिन पहलां ही कर दिता सी ते हुण इत्थे इक जथा भेजण दा ऐलान किया है। जंतर मंतर पे हमारी कुछ पहलवान लड़कियां धरना देकर बैठी हैं इंसाफ लेने के लिए, और बीजेपी वाले जिस तरह उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से जो प्रोग्राम दिया गया है कि 8 तारीख को बड़ी संख्या में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए उनके लड़कियों के समर्थन में जाने का जो ऐलान किया है उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन बीकेयू एकता सिद्धू पर कि हजारों किसान उस सपोर्ट में पहुंचेंगे। हमारा निवेदन है बीकेयू एकता सिद्धूपुर के एक एक कारकुन को कि वहां पहुंचना है, उन लड़कियों को समर्थन देना है, और पूरे देश के लोगों को भी हमारे हाथ जोड़कर विनती है कि आज हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम उन बेटियों के साथ खड़े हों और उनको समर्थन दें। इस दरमियान राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल ने पलवाना दे अंदोलन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी खामोशी बारे सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि की मुलजम यूपी दीआं चोणां च इन्ना अहम है कि इसनूं जांच मुकम्मल होण तक अहुदे तों नहीं हटाया जा सकदा। उन्होंने कहा कि सां चैक करन दे बहाने ब्रिजभूषण ने धीआं दे नाल छेड़खानी कीती सी ते बेटी बचाओ नारे दा फिर की बणिया।